अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए इनके मर्द ने इनके साथ जाने से इनकार कर दिया था और दरवाजे अंदर से बंद कर लिए थे ओह अच्छा आप नीचे आ जाएं, नकदी और जेवरात साथ ले लें अगर आप यहाँ से कहीं जाते हैं तो इस सूरत में भी वो मकान को तो तबाह कर ही देंगे आपका आपके मकान की कीमत इन्हीं से दिलवाएंगे वह हंस कर बोले और फिर वह नीचे आ गए इन्होंने नकदी और जेवरात जमा कर लिए फिर इन्हें बताया कि वो जाने के लिए तैयार हैं अब इन्होंने इन्हें गाड़ी में बिठा दिया फिर खान मान से बोले आप प्रोफेसर साहब को साथ ले लें और इन्हें इस लकड़ी के मकान में ले जाएं हम इंस्पेक्टर शालारी से बात करके वहां आ जाएंगे लेकिन जमशेद तुम इतना फ़ासला पैदल किस तरह तय करोगे फासला इतना ज़्यादा भी नहीं है हम दौड़ लगा देंगे तुम जाओ लेकिन जमशेद इन हालात में यहाँ से जाने को जी नहीं चाह रहा इन लोगों की हिफाजत का मसला है ना अच्छी बात है हम ये भी नहीं कर सकते कि इन्हें छोड़ कर यहाँ वापस आ जाएँ इस सूरत में इनके अल्फाज दरमियान में रह गए एन इसी वक्त कई पुलिस गाड़ियाँ वहाँ आंधी और तूफ़ान की तरह आकर रुकी थी फिर इनमें से पुलिस मैन बहुत तेज़ी से उतरते नज़र आए आप लोग फ़ौरन घर के अंदर दाखिल हो जाएं और दरवाज़ा बंद कर लें इंस्पेक्टर जमशेद ने जल्दी से कहा महमूद अहमद और इनके घर वाले फौरन घर में घुस गए साथ ही इन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया इधर पुलिस ऑफिसर इनकी तरफ बढ़ा इसके पीछे दस के करीब पुलिस थे कौन था वो जिसने मुझसे फ़ोन पर बात की थी कौन था वो इसने कहा जज जज जी वो वो मैं था इस वक्त तो बहुत तेज़ आवाज़ में बात कर रहे थे अब हकला रहे हो तुम हो कौन इस घर के अफराद से तुम्हारा क्या ताल्लुक है इन लोगों से हमारा बहुत गहरा ताल्लुक है बस ये समझ लें कि ये मेरे भाई का घर है क्या आप इंस्पेक्टर शालारी हैं हाँ और तुम कहाँ से आए हो दारुल हुकूमत से इंस्पेक्टर शालारी इनके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ इसने अपने साथियों को इशारा किया तो वो भी आगे आ गए इन लोगों को गिरफ्तार कर लो किस खुशी में मेरा मतलब है किस जुर्म में तुमने कानून को फ़ोन पर धमकियाँ दी हैं हम तुम्हें थाने ले जाकर इन धमकियों का जवाब देंगे मैं ज़रूर साथ चलता लेकिन इस घर के लोगों की हिफाजत का मसला है अभी अभी यहाँ साबाद गर्दावरी के आदमी आए थे वो देखिए इनमें से छः की लाशें पड़ी हैं हम इन लाशों को देख चुके हैं अभी इनके बारे में पूछने वाले थे शायद ये इस कस्बे में पहला वाक़ है कि गर्दावरी के आदमियों पर किसी ने फायरिंग की है तुम लोग हो जीदार कानून का साथ दो तो हम मिलकर इनका, इनका इंतज़ाम कर सकते हैं चा? क्या क्या वाकई वो हैरान रह गए ऐन इसी वक्त एक बार फिर घोड़ों की टापों से मैदान गूंजने लगा लीजिए फिर वो दोबारा आ गए अब आप क्या कहते हैं अरे बाप रे जल्दी करो भाग चलो इंस्पेक्टर शलारी ने चीख कर कहा आन के आन में वो गाड़ियों में बैठे और हवा हो गए ये हाल है कस्बे की पुलिस का खान रहमान ने बुरा सा मुंह बनाया अगर ये हाल ना होता तो ये गुंडे क्यों उमट आते मेरा ख्याल है अब हम इन लोगों से ज़रा और तरह निमटते हैं जल्दी करें सब लोग गाड़ी में बैठ जाएं। गाड़ी में और इस घर की तरफ न भी गाड़ी में बिठा लिया जाए लेकिन जमशेद इनके पास घोड़े हैं और घोड़े कोई कम रफ्तार चीज़ नहीं होते प्रोफेसर दाऊद बोले मैं जानता हूँ लेकिन मैं इनका मुकाबला इस चटान के पास करना चाहता हूँ जहाँ वो लकड़ी का मकान था बात तो माक़ूल है वहाँ हम इन लोगों का मुकाबला बहुत आसानी से कर सकते हैं चाहे इनकी तादाद कितनी ही क्यों ना हो बस तो फिर चलो वो आन के आन में गाड़ी में सवार हो गए एक बात और अब्बाजान हम लोगों को यहाँ ना पाकर वो गुस्से में पागल हो जाएंगे और हो सकता है घर को आग लगा दें कोई बात नहीं घर और बन जाएगा असल मसला है जाने बचाने का आप लोगों ने अपनी कीमती चीज़ें ले ली सिर्फ़ जेवरात साथ ले सके हैं और चीज़ें उठाने में देर लग जाएगी ठीक है वैसे तो मैं कोशिश करूँगा कि वो मकान को आग ना लगा सकें जी क्या मतलब भला आप ये कोशिश किस तरह करेंगे बस देखते जाओ और फिर वो गाड़ी में सवार हो गए इन्होंने अपना रुख इस तरफ कर लिया जिस तरफ से ये यहाँ तक आए थे और गाड़ी को इतने फासले पर ले आए कि हमला आवर इसे देख तो लें लेकिन फ़ौर इन तक ना पहुँच सके खान रहमान तुम गाड़ी चलाओगे हम सब पीछे की तरफ रुख करके बैठेंगे और इन लोगों पर फायरिंग शुरू करेंगे इस तरह वो मकान की तरफ तोजा दे ही ना सकेंगे हमारे पीछे चले आएंगे हम इन्हें इस चटान तक ले आएंगे बहुत खूब तरकीब ज़बरदस्त है इसे कहते हैं सांप भी मारा जाए और लाठी भी ना टूटे प्रोफेसर दाऊद ने खुश होकर कहा चंद लमों घोड़े नज़र आने लगे खान रहान जूँ ही मैं फायर करूँ तुम गाड़ी चला देना अच्छी बात है फ़िक्र ना करो फिर घोड़े और नजदीक आ गए इनका रुख मकान की तरफ था इंस्पेक्टर जमशेद ने इनमें से एक का निशाना लेकर फायर किया इसकी चीख बुलंद हुई वो घोड़े से गिरा और साथ ही तमाम हमला आवरों का रुख इनकी तरफ हो गया बस फिर क्या था वो गाड़ी की तरफ दौड़ पड़े साथ ही इनके सरदार ने चीख कर कहा पकड़ लो ये फरार हो रहे हैं जाने ना पाए इन्होंने हमारे साथ साथियों को हलाक किया है इधर गाड़ी हवा हो चुकी थी सड़क पुख्ता थी घोड़े भी सड़क पर दौड़ने लगे इनकी टापों से खौफनाक गोन्ज पैदा होने लगी थी अभी तुम लोग फायर ना करना कहीं गोलियां ज़ाया ना हो जाएं, बस सिर्फ मैं फायर करूंगा। लेकिन जमशेद गाड़ी से फायर करने के लिए हमें दरमियानी फ़ासला कम करना पड़ेगा इस सूरत में इनकी तरफ भी फायरिंग होगी और ये हमारे लिए किसी तरह भी मुफीद नहीं होगा बेहतर यही है कि हम दरमियानी फासला बढ़ा दें ताकि वो फायरिंग ना कर सकें चट्टान पर पहुँच कर तो हम आखिर इन्हें अपनी निशानी पर ले ही आएंगे हूँ तुम्हारी तजवीज़ ज़्यादा मुनासिब है हामान बस तो फिर रफ्तार बढ़ा दो इसका एक फ़ायदा ये होगा कि इनके वहाँ पहुँचने से पहले ही हम पोजीशन ले लेंगे इंस्पेक्टर जमशेद ने इनकी तायद की इस तरह ये सफ़र जारी रहा घोड़े पूरी रफ्तार से दौड़ रहे थे और हमलावरों की कोशिश थी कि किसी तरह गाड़ी तक पहुँच जाए जबकि ख़ान रहमान इस रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे कि दरमिया फ़ासला बदस्तूर बरकरार था वो चाहते तो दरमिया फासला बढ़ भी सकता था लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं थी फिर न वो चट्टान नज़र आने लगी खान रहमान अब रफ्तार बढ़ा दो ताकि इनके नज़दीक पहुंचने से पहले पहले हम पोजीशन ले लें फ़िकर ना करो जमशेद इन्होंने कहा और रफ्तार बढ़ा दी फिर वो चटान के दामन में पहुंच गए इन्होंने पीछे मुड़कर देखा घोड़े बहुत दूर नज़र आ रहे थे खाना मान गाड़ी इस चटान के पिछली तरफ क्यों ना खड़ी कर दी जाए ताकि वो लोग इसे नुकसान ना पहुँचा सकें हाँ ये ठीक रहेगा तुम पोजिशन संभालो मैं गाड़ी का इंतज़ाम करता हूँ वो सब एक साथ हरकत में आ गए महमूद अहमद ख़ैराबादी और इनके घर के अफराद को चटान की ऊँट में ऐसी जगह बिठा दिया गया जहाँ इन तक कोई गोली वगैरह नहीं पहुँच सकती थी इसके बाद इन्होंने जल्दी से पोजीशन ली खान रहमान भी गाड़ी खड़ी करके आ गए ये लोग किसी रेयत के मुस्तक नहीं हैं लिहाजा जो ही ज़द पर आएँ फायरिंग शुरू कर दी जाए इंस्पेक्टर जमशेद ने पुरजोश आवाज़ में कहा अच्छी बात है बजान इन हमारी कोई गोली खाली नहीं जाएगी एक मिनट बाद ही घोड़े नज़दीक आते नज़र आए इनका रुख चटान ही की तरफ था तहम वो चटान से इतने फ़ासले पर रुक गए कि इनकी गोलियां इन तक नहीं पहुंच सकती थीं वो खामोशी से देख रहे थे ऐसे में सरदार की आवाज़ गुंजी कहाँ छुप गए हो बुजिलो सामने आओ ताकि हम तुमसे दो दो हाथ कर सकें इतने में इंस्पेक्टर जमशेद इनका जायजा ले चुके थे वो सौ के करीब थे और इनके पास जदीद राइफलें थीं गोया पूरी तैयारी करके आए थे सौ आदमियों के सामने जाकर वो मुकाबला नहीं कर सकते थे क्योंकि इनकी कुल तादाद छः थी वो इधर से छः फायर करते तो इधर से सौ गोलियाँ आती लिहाजा ये वक्त बेवकूफ़ाना बहादरी दिखाने का मौका नहीं था चुनाचे सट्टे हमशेद खामोश रहे शायद वो लोग लो यहाँ नहीं हैं इस चटान के पीछे वाली आबादी की तरफ भाग गए हैं आओ कुछ आगे बढ़कर देखते हैं सौ के सौ घोड़े इनकी तरफ बढ़ने लगे ताहम अब वो एक एक कदम आगे बढ़ रहे थे फिर जो ही वो इनकी जद पर आए इंस्पेक्टर अमशेद चिल्लाए फायर और फिर फायरिंग की आवाज़ें गूंज उठी वो मुसलसल फायरिंग करते चले गए घोड़े सवार पहले ही हमले में हड्डी की तरह बौखला चुके थे वो बदहवास हवास होकर मुड़े और भाग निकले इन्होंने पीछे मुड़कर भी ना देखा कि इनके गिरने वाले साथी किस हाल में हैं इन्होंने बीस के करीब हमलावरों को खाको खून में तड़पते देखा इनके घोड़े ईद उदर भाग निकले गोया पल भर में मैदान साफ हो गया अब क्या करें जमशेद तीसरे हमले को रोकने की तैयारी वो फिर आएंगे तब फिर जमशेद तुम खुफिया फ़ोर्स मंगवा लो वो मैं पहले ही मंगवा चुका हूँ फ़ोर्स के आने में देर नहीं लगेगी बहुत खूब ये हुई ना बात खान रहमान खुश हो गए जल्द ही फोर्स भी वहाँ पहुँच गई इसने हर तरफ पोजीशन संभाल ली दो घंटे बाद घोड़ों के टापों की आवाज़ें फिर से सुनाई दी इस मरतबा वो और ज़्यादा तैयारियों से आए होंगे अल्लाह मालिक है हमारी भी तैयारियां मुकम्मल हैं वो अंधाधुन चटान की तरफ आएंगे क्योंकि इनके ख्याल में यहाँ पोजीशन लेने की जगह सिर्फ चटान है जबकि वो खुफिया फ़ोर्स चटानों के मुखालिफ सतट में है लिहाजा इनके दाएं और बाएं से जब हमला होगा और इधर हम चटान से फायरिंग करेंगे तो इनकी लाशें बच जाएंगी हूँ दरअसल इन तो मालूम ही नहीं कि हम भी इनके मुकाबले में तैयारी कर चुके हैं वो अभी तक हम चंद अफराद ही ख्याल कर रहे हैं इस सूरत हाल का फ़ायदा यकीन हमें ही पहुँचेगा और फिर वो खुली जगह पर होंगे जबकि हम महफूज जगहों पर होंगे इसलिए अल्लाह ने चाहा तो नतीजा हमारे हक में ही निकलेगा इन इन सब के मुँह से निकला खुफिया फोर्स को पहले ही हिदायत दे दी गई थी इन्हें इस वक्त तक साखत रहना था जब तक कि घोड़े सवार इनकी तरफ से गुजर कर चटान की तरफ ना चले जाएं। फिर हमला आवा चट्टान के नज़दीक पहुंच गए इंस्पेक्टर जमशेद ने अपने साथियों को इशारा किया एकदम फायरिंग शुरू हो गई इधर खुफिया फोर्स ने फायरिंग शुरू कर दी अब इन पर तीन तरफ से फायरिंग हो रही थी वो लगे तड़ा, तड़ा गिरने वो बगैर किसी मनसूबा बंदी के आए थे इनकी बचत का बस एक ही रास्ता था वही रास्ता जिससे वो आए थे लेकिन इनके आगे आते ही खुफिया फोर्स की कुछ तादाद इस तरफ भी पहुंच चुकी थी और इस तरह वो चारों तरफ से घिर गए अब उछल उछल कर घोड़ों से गिरने लगे इनकी बदहवासी देखने के काबिल थी वो फायर क्या करते बहुत से तो अफरा तफरी में घोड़ों से गिर कर कुचल गए सवारों के बगैर घोड़े भी बदहवास होकर इधर उधर भाग रहे थे और अपने ही सवारों को कुचल रहे थे नतीजा के आधे घंटे बाद मैदान साफ था वहाँ कोई घोड़ा ना था ज़ख़मियों और जंगों में काम आने वाले हथियार ही रह गए थे दो घंटे बाद इंस्पेक्टर एमशेद ने इंस्पेक्टर शालारी को फ़ोन किया सब सूरत हाल बताई और इससे कहा आप शहर के लोगों को इधर ले आएँ वो इनका साजो सामान लूट लें और लाशों का ठिकाना लगाने का काम शुरू कर दिया जाए लोगों को बता दिया जाए इनके कस्बे को इस जालिम शख़्स के जुल्म से निजात मिल गई है अब वो बेफिक्र होकर आ सकते हैं और आप अपने माताहतों को भी ले आएँ ताकि नजमो जब्त के तहत काम किया जा सके ये ये आप क्या कह रहे हैं सहबात गिरदावरी के सब साथी मारे जा चुके हैं मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा यहाँ आकर यकीन कर लें इन्होंने कहा और फ़ोन बंद कर दिया दूसरे दिन फातह की जीत से कस्बे में दाखिल हो रहे थे कस्बे के लोग सड़कों के दोनों तरफ उमड़ आए थे वो इनका वालेना इस्तकबाल कर रहे थे इन पर फूल बरसा रहे थे इस्तबाल करने और फूल बरसाने वालों में कस्बे के सारे ही सरकारी ऑफिसर उमड आए थे आम लोगों का जोश देखने के काबिल था वो भी कुछ कम खुश नज़र नहीं आ रहे थे इनमें वो सिर्फ इंस्पेक्टर शालारी को पहचानते थे जिसने आगे बढ़कर इन्हें बताया ये हमारे डी एस पी नाजिम अब्बास हैं और ये हैं सुपरेंटेंडेंट जेल सदत का फ्याजी ये आप हैं वजाहत शिराजी, हमारे कस्बे के असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर ये सब भी आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं शुक्रिया की तो कोई बात नहीं ये तो मेरा फ़र्ज था मुझे हैरत इस बात पर है कि अगर हालात काबू से बाहर हो गए थे तो आपने दारुल दारुलकूमत को क्यों फ़ोन नहीं किया वहाँ से क्यों मदद नहीं ली दरअसल असल जिम्मेदारी तो हमारी है और हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि इस फतने को किसी तरह ख़त्म कर दिया जाए और हमारा ख्याल था कि आखिरकार हम इन लोगों को गिरफ़्तार करने या ख़त्म करने में कामयाब हो ही जाएंगे लेकिन अवाम के अपने जज्बात होते हैं वो इन मजालिम से बहुत ज़्यादा घबरा गए गे। और किसी ने आपको इतला दे दी यही तो इस केस की अजीब बात है हमें किसी ने इतला नहीं दी तब फिर आप लोग यहाँ कैसे आ गए वजाह शराजी के लहजे में हैरत थी हमें एक ख्वाब ने आने पर मजबूर कर दिया इंस्पेक्टर जमशेद ने बताया क्या मतलब ख्वाब में आने पर मजबूर कर दिया ये क्या बात हुई ये बात इस तरह हुई कि एक घराने के एक अफराद नजर आए वो मदद के लिए पुकार रहे थे ख्वाब में कह रहे थे कि आखिर आप लोग हमारी मदद के लिए कब आएंगे मज़े की बात यह थी कि ख्वाब में कोई जगह वगैरह नहीं बताई गई थी इसके बावजूद हम निकल खड़े हुए हमें अपनी मंजिल का कोई पता नहीं था इस घराने के लोगों के नाम तक मालूम नहीं थे लेकिन हम अल्लाह का नाम लेकर चल पड़े और अल्लाह की कुदरत देखें कि हम सीधे यहाँ पहुँचे और इस घर तक पहुँच गए जिसके अफराद को ख्वाब में देखा था क्या जी हाँ ये सब अल्लाह की मेहरबानी से हुआ वरना इंसान के बस में ये कहा कि इस तरह असल जगह पर पहुँच जाए हमें यह सुनकर हैरत हुई वैसे वो कौन साहब हैं जो आपको ख्वाब में नज़र आए थे महमूद अहमद ख़ैर आबादी ये कौन है हम तो इन्हें जानते तक नहीं बस इन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की इनकी दुआ कबूल हो गई अल्लाह ने इन्हें हमारी ख्वाब में दिखा दिया ये सब अल्लाह के काम हैं जुल्म की रस्सी जब भी दराज़ होती है अल्लाह ताला कोई ना कोई इंतज़ाम कर देते हैं और अब मैं चाहता हूँ आज शाम कस्बे के मैदान में सब लोगों के सामने हम तकरीर करेंगे ये ऐलान सुनकर लोगों में मज़ीद जोश फैल गया वो वक्त से बहुत पहले ही मैदान का रुख करने लगे जब वो अपने गाड़ी में पुलिस के साथ रवाना हुए इस वक्त इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा हमारी ये कामयाबी अधूरी कामयाबी है जी क्या मतलब वो एक साथ बोले